हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के हो रहे हैं 4 o'clock एंड आज नवरात्रि का है छठा दिन। तो मैं जा रही हूँ आज कालका जी मंदिर दर्शन करने। बहुत दिन से मन था, फिर आज मतलब टाइम मिल ही गया, तो हम लोग जा रहे हैं। मैं, यीशु, चिकू और मेरा भाई आया हुआ है, तो हम चारों जा रहे हैं कालका जी मंदिर दर्शन करके। पहुंच गए हैं हम कालका जी, अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। काफ़ी चल के जाना पड़ेगा इसका, अभी कम से कम हमें 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा तब मिलेगा मंदिर। तो बस वही धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। और यहीं कालका जी मंदिर के पास ही ना लोटस टेंपल भी है। यहाँ मतलब दिल्ली का बहुत फेमस है, बट क्या है कि अभी यहाँ पे आके पता चला है कि कोरोना की वजह से वो एकदम से बंद है, पिछले साल से भी खुला ही नहीं है। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और जा रहे हैं अंदर। बट जो अभी मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ कालका जी, तो मतलब जब मैं आई थी पहली बार तब तो मतलब बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। इससे जो जहाँ से जैसे एक वो बना होता है रेलिंग, उसी के अंदर ही चलना होता है सबको। तो ये तो मतलब हमेशा से शुरू से कि भीड़ बहुत होती थी ना कालका जी में, तो ऐसा रहता है। तो इससे लोग एक लाइन में जाते हैं और दर्शन करते हैं और एक निकल जाते हैं। लेकिन इधर जो अगल बगल है ना, राइट लेफ्ट, ये दोनों तरफ इतनी रौनक रहती थी, इतनी दुकानें मिठाई की, प्रसाद की, सिंदूर वगैरह, मूर्ति वगैरह, बहुत अच्छा लगता था। पर इस बार ऐसा लग रहा था जैसे सूना सन्नाटा कुछ था ही नहीं, सिर्फ चारों तरफ पुलिस वाले दिख रहे थे, पुलिस वाले और कुछ नहीं। मतलब कोई रौनक ही नहीं थी मंदिर में, बस ऐसे ही था कुछ। मतलब लोगों को ज़्यादा देर वहाँ रुकने भी नहीं दे रहे थे, बस जाओ और ज़रा सा दर्शन करके बस बाहर निकल जाओ, पहले वाली बात है ही नहीं है। मंदिर में आ गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मतलब जो पुलिस वाले थे ना, बोल पर बोल रहे थे कि कोई वीडियो शूट नहीं हो, कोई वीडियो शूट नहीं करना है। मतलब और भी लोग कर रहे थे, सबको बोल रहे थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना मैंने कर लिया। ये माता जी का दर्शन है, ज़रा सा कर लिया था बस। मैं मतलब मुझे लगता है मंदिर में मैं 2 से 4 मिनट ही रुके होंगे, उसके बाद बस इतनी देर रुकने दे रहे थे, बिल्कुल खड़ा ही नहीं होने दे रहे थे। प्रसाद वसाद चढ़ाने का कोई वही नहीं था ना, जगह जगह इसका भी बोर्ड लगा था कि ना तो फूल माला ना प्रसाद, कुछ भी नहीं चढ़ाना है। मजबूरी है, करें भी क्या, ना करें इतनी जल सकती, तो कोरोना तो अभी गया नहीं है ना, उसी के डर से लोगों की भलाई के लिए ही हो रहा है ये। तो बस ऐसे ही दर्शन करना था, प्रणाम करना था और निकल जाना था। 2 से 4 मिनट रुके होंगे हम लोग बस, इसके बाद बाहर आ गए थे। मंदिर के बाहर नीचे माता जी की मूर्ति वगैरह सजी थी, तो फिर हम लोग ने वो भी देखे, दर्शन किए दूर से ही, क्योंकि उसे भी चारों तरफ से बंद कर रखा था। अब हम जा रहे हैं घर, जैसा चाहते थे वैसा कुछ दर्शन हो नहीं पाया ऐसा, कोरोना की वजह से इतनी शक्ति और यहाँ इतनी पुलिस आर्मी सब बिल्कुल हुए हैं कि मतलब नहीं हो सकता दर्शन। नॉर्मली वैसे दूर से कर लिया। ये है भैरव बाबा का मंदिर। मैं दुपट्टा क्यों खींचा मंदिर में, और कब दर्शन हो गए कुछ पता भी नहीं चला, हम सब वापस आ गए। मैं, शिवाजी और ईशु और ये चीको, और यहाँ पे पहाड़ी हो रही है, ये ये करके मत डालना। और यहाँ पे पहाड़ी हो रही है। अब ये बताओ हमें स्लीपर कहाँ से मिलेगा? अरे वहाँ पे है ना, यहाँ पे वहाँ तो चल के जाऊँ फिर से वापस। स्लीपर इतनी दूर निकाल दी है और वहाँ चल के जाएंगे फिर से, तो स्लीपर लेंगे।
बस स्लीपर निकालने पहनने भर का हुए स्लीपर चलो मंदिर में तो थोड़ा सेट हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं रुकने का मिला है ना मंदिर में, 10 मिनट भी नहीं रुक पाए हम लोग। चलो इधर से चले गए। ये यहाँ से लोटस टेम्पल दिख रहा है पर इस समय लोटस टेम्पल बंद है, वहाँ जा नहीं पाए। पर जस्ट इसके बगल में ही है लोटस टेम्पल, कालका जी के बगल में ही। ये बंद था इसलिए जा नहीं पाए। मंदिर के बाहर एक भैया जी सिंदूर बेच रहे थे तो मैंने उन्हीं से थोड़ा ले लिया, क्योंकि यहाँ कालका जी का सिंदूर बहुत अच्छा होता है तो मैंने प्रसाद के लिए यही थोड़ा सा ले लिया था। और तो कुछ प्रसाद कहीं ना तो मिल रहा था, ना ही मंदिर में ना ही कोई बाहर दुकान थी, सब कुछ बस बंद बंद था। लोग जा रहे थे दर्शन करके बस तुरंत वापस बाहर, जरा सा प्रणाम करके। जरूरी भी है, माहौल ही ऐसा हो गया है। एक ही दे दो ना, एक ही दे दो ना, ये सब नहीं ले रही है। चीकू लाल यहाँ से दम, ये है यहाँ एक छोटा सा भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा की मूर्ति रखी हुई है। अब यीशु बोल रहे हैं मेरे को बैलून चाहिए, इतने बड़े हो गए इनको, इतने बड़े मेरे बराबर होने वाला है, मेरे बराबर हो गए हैं इन्हें बैलून खेलना बड़ी वाली। नहीं बेटा वो बेकार है, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं, छोटे बच्चे ही खेल सकते हैं, तुम्हारे खेलने लायक नहीं है, समझा करो। मैं छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के चलूंगी, ऐसे पकड़ के चलूंगी। बच्चा बुढ़े हो चुके हो। ये कालका जी के पास प्लेन प्लेन जा रही थी। यहाँ कोई होगा आसपास एयरपोर्ट ना? अरे आईजीआई होगा। दर्शन हो गए हमें और ऑटो मिल गया था, ऑटो लेके हम जा रहे हैं वापस घर, लेकिन ट्रैफिक बहुत था तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, करीब 2 घंटे लग गए थे घर पहुंचने में, और मेरे ख्याल से और ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ट्रैफिक था। तो ये जिस जगह पे हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत स्लो स्लो चल रही थी ऑटो। ये देखिए, ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर जो कि पूरा लाइट से डेकोरेट हो रखा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था रात के टाइम पे। वैसे दिन में भी ये अंदर से भी वैसे ही बहुत सुंदर है, पर लाइट से इसकी कुछ अलग ही चमक रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। पहले मुझे लगा ये दशहरे का राउंड, क्योंकि मुझे इसका ऊपर का खाली गुंबद दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा आगे और आए तब दिखा कि ये अक्षरधाम मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जय माता दी।